हेलो एवरीवन, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में थर्ड आता है आपके पास एरर इन अ प्रोडक्ट। तो देखो एरर इन अ प्रोडक्ट में भी जैसे गिवन है आपके पास दो क्वांटिटी ए और बी, ठीक है, वो इस फॉर्म में है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस में डेल्टा बी। डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है यहाँ पर? एब्सोल्यूट एरर्स हैं, क्लियर। तो देखो अब यहाँ पर जब हमें प्रोडक्ट करना है तो मान लो प्रोडक्ट के लिए मैंने जेड लिख दिया और इसमें होगा आपके पास ए मल्टीप्लाई में बी, ठीक है, और डेल्टा जेड कैसे निकलेगा इसमें एरर इन अ जेड। तो देखो इस प्रोडक्ट में जो एरर होगा वो होते हैं रिलेटिव एरर से रिलेटेड। तो देखो कैसे डेल्टा जेड बाय में जेड इज इक्वल टू में, देखो ये जो डेल्टा ए है इसको मैं ऐसे लिखूं डेल्टा ए बाय ए, तो ये कौन सा बन गया? रिलेटिव एरर नहीं बन गया, एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू या मेजर्ड। तो फॉर्मूले में आपको याद होगा ये होता था मीन एब्सोल्यूट एरर और ये क्या होता था हमारा ट्रू वैल्यू, यानी कि ये मीन होता था, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हाँ ये एब्सोल्यूट एरर जो हम बोल रहे हैं ये है किस फॉर्म में? मीन एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में, क्योंकि हमें क्वांटिटी नहीं पता। अगर वेरियस क्वांटिटीज़ होंगी तो वहाँ पर फिर ट्रू वैल्यू भी एवरेज से निकलती है, जिसको हम ए एम लिखते थे मीन वैल्यू, और एब्सोल्यूट एरर में भी मीन निकलता था क्योंकि कई सारी क्वांटिटीज़ होती तो उसमें भी एक सिंगल एवरेज लेते थे हम, ठीक है। और नॉर्मल अगर आपके पास गिवन है कोई पहले से ही ए की वैल्यू गिवन है तो उसको तो हम ऐसे ही लिखते हैं ए प्लस माइनस में डेल्टा है, बिकॉज ए की क्वांटिटी आपके पास और उसमें जो एरर होगा वो क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर होगा। मीन एब्सोल्यूट एरर कब बोल देते हैं हम? जब बहुत सारी वैल्यूज होंगी तो उसको कंबाइन करके हम क्या करते हैं? एक एरर निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ए की क्वांटिटी है तो ऑब्वियस ही बात है इसको हम एब्सोल्यूट एरर ही बोल देते हैं। इतनी बात समझते हो ना चीज़ों को, ठीक है। तो कन्फ्यूज ना होना, ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे सोचते हैं तो मीन एब्सोल्यूट एरर बताया था सर ने, तो यहाँ पर ये डेल्टा ए को बार बार एब्सोल्यूट एरर क्यों बोल रहे हैं? समझ रहे हो ना, सिंगल क्वांटिटी तो एब्सोल्यूट एरर भी आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर भी वहाँ निकालने की जरूरत पड़ी, बिकॉज जो ट्रू वैल्यू थी वो भी वेरियस क्वांटिटी से निकली थी हमारी, मीन निकला था इस वजह से, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना। तो देखो डेल्टा जेड बाई जेड इज डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस में डेल्टा बी अपॉन में बी, इस तरीके से आएगा ये, ठीक है, रिलेटिव एरर्स की फॉर्म में या फ्रैक्शनल एरर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से जब हम डेल्टा जेड निकाल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा ए बाई ए प्लस में डेल्टा बी बाई बी बी और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास ये जेड। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, अब देखो इसका भी प्रूफ करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो देखो प्रूफ करते हैं इसका। तो देखो यहाँ पर Z हम कैसे लिख रहे थे? A मल्टीप्लाई में B, तो Z को मैं लिख सकता हूँ Z प्लस माइनस में डेल्टा Z, एंड A को लिखते हैं A प्लस माइनस में डेल्टा A और मल्टीप्लाई में B प्लस माइनस में डेल्टा B। समझ रहे हो ना, B को ऐसे लिखते हैं और A को ऐसे यहाँ पर जो गिवन है हमें, ठीक है, और Z को ऐसे लिखेंगे Z प्लस माइनस में डेल्टा Z, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। देखो A को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो A को इससे करेंगे तो A भी आ जाएगा, फिर ए को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस का साइन आएगा और ए इंटू में डेल्टा बी आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाले को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों से, तो देखो ये प्लस माइनस में डेल्टा ए और ये बी आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस और इधर भी प्लस माइनस। तो देखो मल्टीप्लाई में जब हम करेंगे तो प्लस माइनस इधर है, प्लस माइनस इधर है, तो यहाँ भी प्लस माइनस ही लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही साइन है, तो क्या चेंज करें, ठीक है। तो डेल्टा ए इंटू में डेल्टा बी आ गया ये आपके पास। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। और इधर क्या है? जेड प्लस माइनस में डेल्टा जेड। अब देखो हमें क्या करना है इसमें, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ लिख देता हूँ डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड बाय जेड एंड राइट हैंड साइड बाय ए बी। अब देखो दोनों तरफ हम एक ही चीज़ से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ तो एक में जेड से कर रहे हैं एक में ए बी से कर रहे हैं। तो देखो ए बी भी तो जेड ही है, यहाँ से देखो ए बी भी क्या है? जेड ही है ना, तो सेम ही चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ। तो इसमें कन्फ्यूज ना होना कि एक में जेड से कर रहे हैं दूसरी तरफ ए बी से कर रहे हैं, ये तो कोई रूल ही नहीं है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये चीज़ समझो ए बी भी जेड ही है, ठीक। तो देखो यहाँ पर जेड अपॉन में जेड प्लस माइनस में डेल्टा जेड बाय जेड आ गया, ए बी अपॉन में यहाँ ए बी से डिवाइड करना है क्योंकि, तो प्लस माइनस में ए डेल्टा बी अपॉन में ए बी प्लस माइनस में ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा ए इंटू बी में ए बी और प्लस माइनस में डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन में ए बी, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये तो कट गया यहाँ पर, ये वन आ गया और इसमें देखो ये ए से ए कट गया, ये बच गया आपके पास डेल्टा बी अपॉन में बी, और इधर से ये देखो आपके पास ये बी कट गया, तो प्लस माइनस में डेल्टा ए अपॉन में ए बच गया। अब देखो ये डेल्टा ए बाई ए है और डेल्टा बी बाई बी है, ठीक है। तो ये कौन से एरर हैं? देखो आप खुद सोचो, रिलेटिव एरर हैं, और रिलेटिव एरर क्या कर रहे हैं? दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ये पहले ही छोटी वैल्यू होती है। जैसे मान लो यहाँ पर देखो डेल्टा ए बाय ए कितना है? 0.2 है, और डेल्टा बी बाय बी कितना है? 0.3 है। अब देखो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि ये देखो ना डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय बी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में है ना ये,
तो जब मल्टीप्लाई करेंगे मान लो इस तरीके से, तो ये और छोटी वैल्यू हो जाती है, पहले ही छोटे हैं और मल्टीप्लाई में हो रहे हैं दो छोटी वैल्यू, तो और छोटी हो जाती है, तो आएगा 0.06। समझ रहे हो ना बात? देखो 3 2 6, लेकिन दो पॉइंट छोड़ के लगेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो मल्टीप्लाई में जब हम आंसर लेके आते हैं तो दो पॉइंट लगाएंगे, ठीक है? तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या हो गया, ये बहुत ही छोटा हो रहा है, तो इनको हम निगलेक्ट करते हैं इन वैल्यूज़ को, ठीक है? तो सिर्फ ये रहेंगी, इनको क्या कर देते हैं हम निगलेक्ट, बिकॉज ये क्या होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं, ठीक है? ये दिखाई दिया ना आपको, ये देखो, ये ध्यान से देख लो इधर, ये 0.2 ली थी वैल्यू, ये 0.3, तो आंसर क्या होगा जो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0.06, बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है? तो ये वैल्यूज़ निगलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखो जेड बाई जेड ये 1 हो गया था, और ये प्लस माइनस में डेल्टा जेड, देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया है, और ये प्लस माइनस में जो डेल्टा जेड आया है ये अब आपके पास आ गया। देखो यहाँ से भी प्लस माइनस कॉमन लो, और जब हम कॉमन लेंगे तो मैं इसको आगे लिख सकता हूँ डेल्टा ए बाई ए को, और जब हम ये कॉमन लेते हैं तो बीच में प्लस का ही साइन लिखते हैं हमेशा, तो डेल्टा बी बाई बी ये आ गया। तो देखो प्लस माइनस कैंसिल, और डेल्टा जेड बाई कितना आ गया, डेल्टा ए बाई ए प्लस में डेल्टा बी बाई बी। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं? और ये नीचे जेड था आपके पास, ठीक है? इसके क्लियर है कहानी या नहीं? बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पर कैसे आएंगे, रिलेटिव एरर की फॉर्म में आएंगे जब हम डेल्टा जेड को निकालेंगे, ठीक है? क्लियर है? अब देखो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है? तो देखो एग्जांपल में क्या ले रहे हैं हम, जैसे मान लो आपके पास लेंथ गिवन है, लेंथ गिवन है मान लो 5.7 प्लस माइनस 0.1, और जो ब्रेथ है वो कितनी है 3.4 प्लस माइनस में 0.2। तो एरिया निकालना है अब हमें इसमें, ठीक है? तो एरिया में हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है? तो देखो एरिया जब हम निकाल लेंगे तो हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ में अब देखो ज़रा ये वाली क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई होंगी, 5.7 मल्टीप्लाई में क्या होगा 3.4 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.7 को 3.4 से, देखो 20 और ये 22 हो गया, 21 5 3 15 और 2 17 8 3 9 1 1938 आ गया, और पॉइंट बताओ कहाँ लगेगा, एक इधर से या एक इधर से, टोटल दो हो गए, तो दो पॉइंट इधर से ऐसे लगेंगे, ठीक है? ये समझ गए हो? अब मेन बात है एरर्स, ठीक है? तो एरर कैसे निकलेगा अब इसमें देखो, वो हमें पता है डेल्टा जेड बाई जेड कैसे निकलता है, दिस टर्म दैट इज़ डेल्टा एल हो गया ये एक तरह से, क्योंकि आपको पता है ना ये अगर ए की फॉर्म में ये ए, तो ये हो जाएगा ए प्लस माइनस में डेल्टा ए, तो हम यहाँ के लिखते हैं डेल्टा ए बाई ए, तो डेल्टा ए कितना यहाँ पर 0.1 है, और ए कितना है 5.7 है, और प्लस में डेल्टा बी दैट इज़ 0.2 और अपॉन में बी दैट इज़ 3.4। देखो अब इसको सोल्व अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो ये तो हमें पता चल गया डेल्टा जेड, और जेड कितना है हमारा 19.38, और 0.1 पॉइंट हटाएंगे तो 10 लग जाएगा, और 5.7 का पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे लगेगा, वो 10 ऊपर चला जाएगा, और ऐसे ही 2 का यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 10 लगेगा, और 3.4 का भी पॉइंट हटाएंगे तो 10 लगेगा, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है? तो ये 10 से 10 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, ये आ गया 1/57 दिखाई दे रहा है, प्लस में 2/34। तो देखो इसका एलसीएम जब लेंगे हम तो कितना आ जाएगा 1938 आ जाएगा, क्यों? देखो तो ना ये 5.7 और 3.4 को मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आई थी, तो यहाँ एलसीएम भी इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, ठीक है? अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो खुद सोचना, इसको इसको मल्टीप्लाई करके ये आया, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 57। समझ रहे हो ना ये बात? तो क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ये आ रहा है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 57 आएगा, तो 57 मल्टीप्लाई में 2 करेंगे अब, एलसीएम लेना तो आता है ना आपको, और ये कितना हो गया 114। तो इसको ऐड करो आप, कितना आ जाएगा ये आपके पास 148 अपॉन में 1938, ये आ गया डेल्टा जेड अपॉन में 19.38 इस तरीके से, ठीक है? आ रहा है समझ में? अब देखो डेल्टा जेड हमें चाहिए, तो देखो ये कितना हो जाएगा 148 और ये 1938 इधर है, ये 19.38 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और इसका पॉइंट जब हटाएंगे तो 100 लग जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 148 अपॉन में 100, कितना आ गया ये 1.48, 100 जब हटाएंगे तो 1.48 आ जाएगा, तो Z हमें पता चल गया कितना आ गया 1.48। तो हम Z को अब किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो इसके मतलब प्रोडक्ट को अब, तो देखो ये कितना था आपके पास 19.38, और इसमें प्लस माइनस कितना होगा ये एरर 1.48, बिकॉज Z को कैसे लिखते हैं हम, Z प्लस माइनस में डेल्टा Z। समझ रहे हो बात को या नहीं बताओ? क्लियर है कहानी? कर लोगे इसको, ठीक है? तो ये था एरर इन अ प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एरर इन अ डिवीजन और क्वोशेंट जिसको हम बोलते हैं उसको करेंगे, क्लियर? ओके जी, थैंक यू।